वेलकम बैक टू माय चैनल विशिंग यू अ हैप्पी होली। तो फ्रेंड्स, होली आ चुकी है, बाकी सारी प्रिपरेशन तो आपकी हो चुकी होंगी, आप सब होली खेलने की तैयारी भी कर चुके होंगे। लेकिन होली खेलने के बाद आपको कोई स्किन प्रॉब्लम ना हो, आपके बाल रफ एंड ड्राई ना हो, इन सबसे बचने के लिए आप कुछ टिप्स जरूर फॉलो करें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बेसिक टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप होली के बाद स्किन एलर्जी और रफ एंड ड्राई जो बाल हो जाते हैं उन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टिप नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने बालों को। इसके लिए आप अपने बालों में ऑयलिंग करें, आप कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं और कोकोनट ऑयल को अपने बालों में अच्छे से अप्लाई करने के बाद, अच्छे से मसाज करने के बाद बालों की चोटी बना लें। आप कभी भी खुले बाल करके होली ना खेलें। होली खेलते टाइम अपने बालों को बिल्कुल भी खुला न रखें, पहले बालों को ऑयल से मसाज करें और इसके बाद चोटी बना लें। बालों पे तेल लगाने के बाद फ्रेंड्स, आप चोटी बना सकते हैं या फिर आप बन भी बना सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। लेकिन आपको बाल बांध के रखने हैं, खुले बाल बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। सेकेंड टिप है फ्रेंड्स कि अपनी बॉडी पे ऑयल जरूर लगाएं। आप अपनी बॉडी पे ऑयल लगाएंगे उससे ये बेनिफिट होगा कि जैसे ही कलर लगेगा आप उसको रिमूव करेंगे तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा। आप फेस पर कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं और अगर आप कोकोनट ऑयल के साथ कंफर्टेबल ना हो तो आप कोई भी फेशियल ऑयल का यूज भी कर सकते हैं। फेस या बॉडी पर ऑयल लगाने से एक तो आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी और आपकी स्किन से कलर भी काफी जल्दी निकल जाएगा। और अगर आपके पास फेशियल ऑयल ना हो तो आप फेस पर, नेक पर मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, ये भी कलर से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। टिप नंबर 3 है फ्रेंड्स कि सनस्क्रीन को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है आपको। वैसे तो घर में भी आपको सनस्क्रीन का यूज करना ही चाहिए, लेकिन जब आप होली खेलने बाहर जाते हैं तो ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप सनस्क्रीन जरूर वेयर करें। इसलिए होली खेलने से पहले अपनी स्किन को सन प्रोटेक्शन जरूर दें, सनस्क्रीन का यूज जरूर करें, बिल्कुल भी सनस्क्रीन अवॉइड ना करें आप। लिप्स को भी बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है आपको। आपको अपने लिप्स पे कोई लिप बाम लगा लेना है या फिर आप कोई वैसलीन का यूज भी कर सकते हैं जिससे कि लिप्स पे कलर का स्टेन ना लगे, वो डार्क ना हो। तो इसके लिए आप कोई भी लिप बाम या वैसलीन जरूर यूज करें। खेलते टाइम फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कलर हमारी आंखों में चला जाता है जो आंखों के लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। इसलिए आप आंखों को भी प्रोटेक्शन दें, इसके लिए आप सनग्लास ले सकते हैं। इससे आपका डबल बेनिफिट होगा, एक तो आपकी आंखें हार्म नहीं होंगी और आप स्टाइलिश भी लगेंगी। तो इस टिप को भी आप होली खेलने से पहले जरूर फॉलो करें। जब हम होली खेलते हैं फ्रेंड्स तो हमारे नेल्स पे भी कलर लग जाता है जो इजीली निकलता नहीं है और नेल्स को खराब कर देता है। इसके लिए आप क्या करें, आप कोई डार्क कलर की नेल पेंट लें और उन्हें अपने नेल्स पे अच्छे से लगा लें। क्यूटिकल्स की सेफ्टी के लिए फ्रेंड्स आप वैसलीन लगा सकते हैं या फिर आप कोकोनट ऑयल का यूज भी कर सकते हैं। इससे ये बेनिफिट होगा फ्रेंड्स कि होली खेलने के बाद आप नेल पेंट रिमूवर से जब उसे रिमूव करोगे तो आपकी नेल पेंट भी रिमूव हो जाएगी, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कलर लगा होगा वो भी रिमूव हो जाएगा, जिससे आपके नेल्स बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो नेल्स की सेफ्टी के लिए आप ये टिप्स जरूर फॉलो करें। होली खेलते टाइम आप कॉटन कपड़े ही पहनें, क्योंकि फ्रेंड्स कॉटन के कपड़े काफी कंफर्टेबल होते हैं और ये जल्दी सूख भी जाते हैं। इसलिए होली खेलते टाइम आप कॉटन के कपड़े जरूर पहनें। फ्रेंड्स ईयर्स के पास भी यहाँ पे कलर लग जाता है जिसको रिमूव करने में काफी प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं जिससे कि यहाँ पे भी कलर लग जाए तो वो भी इजिली रिमूव हो जाए। तो फ्रेंड्स आप इन सारे टिप्स को फॉलो करके मजे से बिना किसी टेंशन के होली खेल सकते हैं। ना आपके बाल खराब होंगे और ना आपकी स्किन खराब होगी, अच्छे से होली खेलना, खूब एंजॉय करना। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना।